ठाकुर वंशज हैं वो ठाकुर वंशज में वापस चली गई, ये उनको मुबारक हो। इस बात पे किसी को कोई एतराज़ होना भी नहीं चाहिए और ना हमें किसी को है। रही बात इसकी कि कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते हैं, कोर्ट तो सभी के लिए है और सर्वधर्म को लेकर के चलने के लिए है। संविधान में देश के तमाम लोगों का, ख़ासतौर से मुसलमान का पूरा पूरा विश्वास है। संविधान को बनाने के लिए मुसलमानों के बुजुर्गों ने, मुसलमानों के अंदर से शुहदा ने पूरी कुर्बानियाँ दी हैं। तो संविधान को ना मानने का या कानून कोर्ट के किसी फैसले को ना मानने का तो मतलब ही नहीं बनता। बाकी रही बात इसकी, संविधान ने हर मजहब को आज़ादी के साथ फॉलो करने की इजाज़त दी है। उसमें अगर कोई टकराव पैदा होता है तो उसमें हम सर्वप्रथम अपने मजहब को मानेंगे और हम इस चीज़ के लिए अपना सबूत देंगे कि हम ये संविधान के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ये हमें मजहब की आज़ादी है। कोर्ट की तरफ से हमें मतलब इस चीज़ को कोई बाध्य नहीं कर सकता कि जी हम जो है क्या नाम है फला काम नहीं कर सकते, फला काम नहीं कर सकते। जो गलत काम है वो नहीं कर सकते, जो हमारे सही काम है, हमारा सही मजहब हमें सही तरीके से हमें मतलब पूरा आज़ादी के साथ सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है वो हम करते हैं। रही बात चार शादियों की, तो ये तो मतलब इस तरह की बातें करके टिप्पणी करना, किसी को जलील करना, ये बुरी बात है और ये गैर इल्मी बात है। अगर इल्म होता तो शायद वो इस तरह की बात ना करती। वो एक वकील हैं, उन्हें उस पद की गरिमा को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। वकील हैं, वकालत करें, लेकिन मजहब में दखलंदाजी ना दें। मजहब में दखलंदाजी देंगी तो इससे आपस में घृणा पैदा होगी, आपस में तफरका पैदा होगा, लोगों में नफरत पैदा होगी। अगर लोगों में नफरत पैदा होगी, देश में अफरा तफरी पैदा होगी, तो इसकी ज़िम्मेदार भी वो होंगी। वो इसकी ज़िम्मेदार हैं अगर देश के अंदर इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह से देवबंद में आकर के सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रही हैं। वे कह रहे हैं कि मौलाना जो हैं वहाँ फतवों की दुकान चला रहे हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा, ये तो कोई बात नहीं हुई। दुकान कैसे बंद हो जाएगी, दुकान क्या चीज़ होती है? एक तो उन्हें इस बात से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो इस्लाम धर्म के जो ज्ञान रखने वाले हैं, इस्लाम मज़हब का जो इल्म रखने वाले हैं और जो लोगों को बग़ैर किसी उजरत के इल्म पहुंचाते हैं, सवाब की नीयत से, आखिरत की नीयत से, उनको वो दुकान के रूप से अपमानित कर रही हैं। उन्हें मैं समझता हूँ उस तरह की बात करके किसी को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। किसने उनसे पैसे लिए हैं दुकान के, या कोई इल्म देने के बाद या किसी इल्म को देने के लिए किसने उनसे कहा है कि आप हमें उजरत दो? और मज़हब इस्लाम माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिए होता है, मुस्तकबिल ख़राब करने के लिए नहीं। मज़हब इस्लाम मुस्तकबिल को, फ्यूचर को बनाने के लिए है। मज़हब इस्लाम ने बड़े बड़े फ्यूचर लोगों के बनाए हैं। आप तारीख उठा करके देंगे इस्लाम की, किस किस तरीके से उन्होंने शहादतें दी हैं, किस किस तरीके से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे कैसे देश को उन्नति और आज़ादी दिलाई है। वो कह रहे हैं कि दारुलूम में पढ़ने वालों का भविष्य खराब हो रहा है, उनको सरकारी नौकरी भी नहीं मिली। दारुलूम में पढ़ने वाले तो लोगों का भविष्य बनाते हैं, दारुलूम में पढ़ने वाले तो आने वाले देश का मुस्तकबिल हैं। दारुलूम में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं जो देश के आने वाले मुस्तकबिल हैं, देश का आने वाला रोशन मुस्तकबिल है। ये तो उन्होंने अगर कहा है, उनको मालूम नहीं है, उनको मालूमात नहीं है, उनको ज्ञान का अभाव है, उनको पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। इस तरह का माहौल ख़राब करना मैं समझता हूँ उचित ही नहीं, बल्कि ये एक संविधान की अवहेलना है।